मध्य प्रदेश का किसान पोर्टल जो कि किसानों के फसल पंजीयन, किसानों के पंजीयन आदि के लिए है और जिसमें किसान अपनी फसल की स्वयं घोषणा कर सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने ये किसानों के भले के लिए ये पोर्टल तैयार किया है, लेकिन कल हमने 23 फरवरी को इस पोर्टल को पूरे दिन चेक किया। ये एनआईसी का, मुरैना का स्टाफ कहें या चंबल का स्टाफ कहें, संभवतः या तो अयोग्य लोग हैं या जानबूझ करके ये लोग बदमाशी करते हैं। ये पोर्टल न तो कल किसी प्रकार की ओटीपी भेज रहा था और न किसी प्रकार का पंजीयन एक्सेप्ट कर रहा था और बार बार फेक मैसेज देता था। और इस प्रकार से कितने किसान यहाँ परेशान हो रहे होंगे या पंजीयन नहीं कर पा रहे होंगे या कितने किसान इस चीज से वंचित रह जाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो ग्वालियर टाइम्स को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी किसानों की कि पोर्टल पर बदमाशी हो रही है, तो हमने उसको कल खुद चेक किया और पूरे दिन किया। मोबाइल एप्लीकेशन को भी किया, वेबसाइट को भी किया और दोनों जगह फॉल्स मैसेज मिल रहे थे और किसी प्रकार का कोई ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा था। यह बेहद चिंता की बात है और अगर इस प्रकार से किसी पोर्टल को काम करना है तो सरकार को फिर ऐसे पोर्टल बनाने की या एप्लीकेशन बनाने चलाने की जरूरत भी क्या है। पैसा ले, जो सेंटर खोल रखे हैं उन पर किसानों से जबरदस्ती वसूली करके और फिर जैसा करना है जो करे, फिर उसे सार्वजनिक क्यों करते हैं कि किसान खुद कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ और असत्य बात है। आज के प्रमुख समाचारों में मुरैना के समाचार हैं। जन सुनवाई में कलेक्टर ने 109 आवेदनों को सुना, 24 घंटे में निराकरण हेतु 32 आवेदन अधिकारियों को सौंपे। इसमें मंगलवार को कल हुई जन सुनवाई में कलेक्टर मुरैना बी कार्तिकेयन ने लोगों को तत्काल लाभ दिलाने की मंशा रखते हुए जन सुनवाई में उन्होंने 23 फरवरी को 109 आवेदनों को सुना, जिसमें 32 आवेदन ऐसे निकाले जिन्हें 24 घंटे के अंदर निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सौंपा। इस जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार जैन, एलके पांडे, एसडीएम समेत समस्त विभागों के जिलाधिकारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ उपस्थित थे। जन सुनवाई के दौरान जौरा विकास खंड के ग्राम पचेखरा निवासी करीबन 25 लोगों ने कलेक्टर को लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम में राशन वितरण नहीं हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल डीएसओ बीक्रम सिंह तोमर को आज ही स्पॉट पर पहुंचकर पीडीएस की दुकान का निरीक्षण करने तथा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सबलगढ़ एसडीएम से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे संवाद किया और लोगों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने जब कलेक्टर एवं एसडीएम से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों को सुना तो ग्रामीण गदगद हो गए और कहने लगे कि ऐसे होती है सुनवाई, कलेक्टर गरीब लोगों की अवश्य ही सुनवाई कर रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने पिछले मंगलवार 16 फरवरी को जन सुनवाई की थी, जिसमें 33 आवेदन ऐसे तय किए गए थे जिन्हें 24 घंटे के अंदर निराकरण करने हेतु अधिकारियों सौंपे थे, जिसमें 17 आवेदन निराकरण होना पाए गए तथा शेष 3 आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए तिथि तय कर दी गई है। शेष 13 आवेदनों का निराकरण अन्य विभागों से जांच उपरांत ही करने की बात अधिकारियों ने कलेक्टर से कही। इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मुझे 24 घंटे वाले आवेदनों में 100% निराकरण चाहिए, ये आवेदन जायज आवेदन है, उनका निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति का आवेदन 24 घंटे के अंदर निराकरण के लिए मार्क किया गया है उस आवेदन का निराकरण होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे कहा कि आवेदन का निराकरण हो गया है और इसके बाद आवेदनकर्ता पुनः जन सुनवाई में आया तो उस अधिकारी की फिर खैर नहीं होगी। दूसरा, रोजगार मेले की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं मुरैना में। इसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से जो रोजगार मेला आयोजित किए जाएंगे उसमें कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जिला रोजगार अधिकारी एवं मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक को निर्देश दिया है इस माह में रोजगार मेले आयोजित कर लोगों को रोजगार दिलाएं। इसके तहत जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश सिंह तोमर ने 24 फरवरी को जौरा जनपद के सभागार में और 25 फरवरी को पोरसा जनपद के सभागार में और 26 फरवरी को मुरैना जनपद के सभागार में प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक रोजगार मेले की तिथियां निर्धारित की हैं। इसमें मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। दूसरा, कोविड पुनः दस्तक न दे, इसके लिए अभी से एहतियात बरतने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है और कहा है कि सोशल मीडिया पर मैसेज करें, लोग अधिक से अधिक कोविड से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य करें। कोविड एक बीमारी या वायरस है जिसमें रेलवे स्टेशन पर जो महाराष्ट्र और केरल से लोग आ रहे हैं उन्हें मुरैना में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन पर ही की जाएगी और 14 दिन के लिए उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाएगी। महाराष्ट्र केरल से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। यह बात कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से कही। इस अवसर पर बैठक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबलगढ़ विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा, मुरैना विधायक राकेश मावई भी जुड़े। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज, अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला और संयुक्त कलेक्टर सहित संबंधित विभागों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कहा कि कोविड हम सबके लिए गंभीर बीमारी है, इससे बचने के लिए एहतियात बरतें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर लगाएं और 2 मीटर की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य बनाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगरीय निकाय प्रतिदिन कचरा उठाने वाली गाड़ियों पर कोविड से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों के जिंगल बनाकर तैयार करें और उन्हें बजवाएं। शहरों के प्रमुख बाजारों, प्रमुख चौराहों पर पोस्टर बैनर में कोविड से बचने के लिए मास्क लगाएं ऐसा संदेश लिखवाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क उपयोग नहीं करते हैं उन पर निश्चित राशि तय की जाएगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए। उन्होंने कहा दुकानदार भी अपनी दुकान पर सैनिटाइजर और मास्क रखें। जो भी व्यक्ति सामग्री लेने के लिए आता है उसे सामग्री अवश्य दें और उसे बिना मास्क के जाता है तो उसे एक मास्क अवश्य पहनाएं। जिसकी राशि सामग्री खरीदते समय उस राशि में से काटें। इस पर हम वीडियो भी दिखा रहे हैं मुरैना कलेक्टर का जो उन्होंने कहा है, तो उसे आप देखें और सुने उन्होंने क्या कहा। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र और केरल से आने वाले मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग कराने के लिए टीम गठित कर दी गई है और यह टीम शीघ्र ही अपनी सर्चिंग का काम प्रारंभ करेगी। कलेक्टर ने कहा कि बैंकों, शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजर उपलब्ध रहना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग अवश्य कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र और केरला से आने वाले लोग संक्रमण का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सभी के लिए कठिनाई का कारण था, इसके बचने के लिए अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल से एक एक मिनट का वॉइस बोलकर तैयार करें। इसमें कोविड से बचने के लिए सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग और 2 गज की दूरी का पालन करें। इस प्रकार का संदेश सोशल मीडिया पर जाएगा तो यह मैसेज सुदूर एवं अंतिम व्यक्ति तक अवश्य पहुंचेगा, तो लोग सजग होकर इसका पालन करेंगे। यह विधि बिना खर्च की है और जनहित में हमें ऐसे करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता में जन जागृति करेंगे तो लोगों में बहुत अच्छे से मैसेज आएगा। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे हॉटस्पॉट देखे जहां महाराष्ट्र और केरल से लोग आए हों, उन स्थानों पर मीटिंग के माध्यम से समझाएं यह समस्या बड़ी है, लड़ाई लड़नी होगी। लोग बाहर से रूटों की बसों को चिन्हित करें जहां पर कोविड तेजी से बढ़ रहा है। समाज से भी आगे आएं और निचली बस्तियों में मास्क और सैनिटाइजर वितरण कराएं। विधायक राकेश मावई ने कहा कि पहले जैसे हालात न बने और समारोह में भीड़ एकत्रित न हो, कार्यक्रमों में रोक लगाएं। जिला प्रशासन जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय में हम सब सहयोग देंगे। सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचने के लिए सभी को अभी से एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए मैं तो सभी विधायकों से यह कहना चाहता हूं कि विधायक अपनी विधायक निधि से 2-2 लाख रुपए दें, जिससे उस इकट्ठी राशि से अच्छा प्रचार प्रसार हो सके, होर्डिंग लग सके। उन्होंने कहा जिला प्रशासन पूरी रणनीति बना ले, हम पूरा सहयोग करेंगे। और खनिज विभाग द्वारा, अगली खबर है, खनिज विभाग द्वारा फरवरी माह में अभी तक कुल 9 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है। कलेक्टर बी कार्तिकेयन के निर्देश पर खनिज अधिकारी सुखदेव निर्मल द्वारा SDM RS बाकना, खनिज निरीक्षक वर्मा, पुलिस अधिकारी, तहसीलदारों, वन विभाग के सहयोग से संपूर्ण मुरैना जिले में अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं, उत्खननकर्ताओं एवं भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए माह फरवरी में अभी तक कुल 31 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 11 प्रकरण वन अपराध अधिनियम में कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है और 20 प्रकरणों में गौण खनिज नियमों में कार्यवाही करते हुए 1,47,39,300 रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए न्यायालय कलेक्टर मुरैना में प्रस्तुत किए गए। अवैध खनिज परिवहन ईंट के 7 प्रकरण, खंडा पत्थर के 9 प्रकरण, फरसी पत्थर के 1 प्रकरण, गिट्टी के 2 प्रकरण और अवैध खनिज भंडार 1 के 1 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चंबल नदी के रेत परिवहन करते 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो वन विभाग द्वारा राजसात की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अब एक नई खबर है कि जो जिले में नवीन आधार पंजीयन केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुरैना जिले में जो आधार कार्ड बनाने के जो केंद्र रहते हैं आधार पंजीयन के और उनमें संशोधन के, उसमें मुरैना जिला प्रशासन ने नए आधार केंद्र खोले जाने का निर्णय किया है, जो कि यहाँ पर रिमोट एरिया है, यहाँ पर अभी आधार केंद्र नहीं है, लोगों को कठिनाई होती है, उन जगहों पर आधार केंद्र खोले जाने हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह ये आधार केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8 मार्च को होगी और इसके साथ ही PG कॉलेज मुरैना में रोजगार मेला 26 फरवरी को लगेगा और रोजगार मेला सबलगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें 111 युवकों का चयन हुआ। इसमें सबलगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 216 युवकों ने भाग लिया। 111 युवकों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। यह जानकारी प्रबंधक दिनेश तोमर द्वारा उपलब्ध कराई गई। वहाँ पर हम लोग अपने एक वाहन शाम के टाइम पे जब बाजार रहती है वहाँ पर अनाउंसमेंट सिस्टम जरूर रखना, ठीक है? मेक दिस मैंडेटरी। जब तक हम लोग का आगामी दिन में जितने दिन तक कि हमारे पास ऐसे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है तब तक। दूसरा, नगर निगम के क्षेत्र में आप एक काम और कर लेंगे कि आप और SDM साहब के साथ में एक बार व्यापारी संघ के साथ में बैठ कर जितने भी दुकानदार हैं और बाकी लोग हैं उनसे बात कर उनको बाध्य कराइए, क्योंकि अभी हमारे पास उस तरह का रूप नहीं है। बट क्या है कि अगर हम लोग अभी प्रिकॉशंस लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको रोक पाएंगे। तो उनको अनिवार्यता करिए कि भाई वहाँ पर वो सैनिटाइजर जरूर रखें और वहाँ पर अपने पास सब लोग मास्क रखें। अगर कोई मास्क पहन के नहीं आया तो 1-2 रुपये वो रहता है, तो जो भी सामान खरीदा उसको 2 रुपये और अधिक काट कर उसको मास्क पहना दें, ठीक है? तीसरा, CMHO साहब जो हमारी बात हुई थी टीम्स की जो रेलवे स्टेशन पर, वो कृपया करके ADM साहब, एक रेवेन्यू अधिकारी जो भी हमको लगाना हो और इनकी मेडिकल की टीम वहाँ पर अनिवार्यता रहे, ठीक है? टीम तैयार कर ली तो टीम तैनात हो जाए और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि वहाँ पर जब भी ट्रेन आए अनिवार्यता टाइम लगेगा, लेकिन व्यवस्थित रूप से वहाँ पर हम लोग एक बार स्क्रीनिंग जरूर करा दें। और जब स्क्रीनिंग करें तो ज़्यादातर कोशिश करें कि हम उसमें ले लें कि भाई वो महाराष्ट्र से आए कि केरला से आया है, क्योंकि ज़्यादातर हम आज के दिन में हम ये मान के चल रहे हैं कि महाराष्ट्र और केरला में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो हमारे पास केसेस आने की आशंका है। और चौथी चीज़, जैसे बाकी लोगों के पास में से हमारे पास आया है, कृपया करके शहर में अभी आज के दिन में हम लोगों ने होर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, तो सूचना तंत्र के हिसाब से हमारे पास 1-2 होर्डिंग्स कोविड के संबंध में जरूर लगा लें ताकि सबको ये सूचना हो। इसके अलावा जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे भाई, क्योंकि जब तक लोगों को हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ फाइन वगैरह नहीं करेंगे, तब तक आदमी को लगता नहीं कि कुछ हुआ है। तो जो मास्क नहीं पहन रहा है या बाजारों में जिस दुकानदार के यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नॉर्म्स पालन नहीं किया जा रहा है, हम लोग स्पॉट फाइनिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग 3, 4 या 5, 10 लोगों के ऊपर नहीं करेंगे तब तक ये मैसेज जाएगा नहीं। और उसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि भाई तब हमारे पास ये ना हो कि सब लोग सख्ती कर रहे हैं या ऐसा फाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तो उसका हमारे पास आगे मैसेज जाएगा। तो फिलहाल के लिए